अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त, आपका कुलीग, आपका टीचर सुलेमान हनीफ। तो आज का जो बेसिक लेक्चर है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का। चैप्टर नंबर 11 जो है रिएक्शन काइनेटिक्स, आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइड्स में। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू योर ये जो रिसेंट एग्ज़ाम है उनके अकॉर्डिंग जो मैंने क्वेश्चन कुछ आपके सामने प्रिपेयर करूँगा, ये मैं लेके आया हूँ क्वेश्चंस। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम शॉर्टेज है और वो सारे का सारा चैप्टर नहीं कर पाते, तो उनको समझ नहीं आ रहा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं, तो ये वाले वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, तकरीबन 20-21 है, तो इंशाल्लाह उनका पूरा चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अगर आप देखें उसको, तो वो हमारे पास है डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि चैप्टर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको नज़र आओगे रिएक्शन काइनेटिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर पहली डेफिनेशन आएगी। कोई भी चैप्टर उसकी डेफिनेशन आपने ज़रूर याद करनी है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये एक्चुअली फिजिक्स की ब्रांच कह सकते हो, साइंस की ब्रांच कह सकते हो, केमिस्ट्री की ब्रांच कह सकते हो, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, और साथ हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर उसका जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of chemical reactions and the factor that affect the rate of chemical reactions. इतना सा बस आपने कर लेना है। दिस विल बी कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्शन काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड पर फोकस करें, एक्टिवेशन और एनर्जी क्या होता है आपको पता है? ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है। एक्टिवेट क्यों करना है? ताकि वो रिएक्ट कर सके। तो ये वर्ड से ही आप खुद से भी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले भी लेक्चर्स में बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही वाली जो चीज़ है, यही वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाए पेपर में। स्टेटमेंट्स वेरी कर सकती हैं, डिफाइन व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, गिव द आइडिया अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो आप लेकिन आपका जो मेन पर्पज़ है वो कंसेप्ट को समझना है। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ वी कैन एलेबोरेट एक्टिवेशन एनर्जी, तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो आंसर सेम ही होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इफेक्टिव कोलिजन क्यों? क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये एक्टिवेट करता है मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, ताकि आपस में वो कोलाइड करें और वो प्रोडक्ट्स को बनाएं। तो इसलिए हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वे ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दस टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। और दूसरा हम ये क्या बताता है कि रिएक्शन जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन होगा नहीं होगा या रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड करेगा। ये भी क्वेश्चन अच्छी वाला कर लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एग्जाम्पल, कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ, इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ, देख सकते हैं आप। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली अगर शॉर्ट क्वेश्चन वाइज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप रेट इक्वेशन लिखते हैं, आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक रेट इक्वेशन लिखी हुई है, ये V इज इक्वल टू के इन टू कंसनट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद कंसनट्रेशन ऑफ बी, और उनके ऊपर उनके एक्सपोनेंट्स हैं। तो जब आप रेट इक्वेशन लिखते हैं, ये वी का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर आप आर भी लिखते हैं या रेट लिख देते हैं वैसे ही। तो ये जो रेट इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो ए और बी आ रहे हैं, ये जो स्मॉल ए और बी जो एक्सपोनेंट में आ रहे हैं, आप इसका सम लेते हैं, इनका जो सम होता है वो नॉर्मली हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक चीज़ यहाँ पे और भी बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सीडो फर्स्ट सीडो टू कुछ भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के हम बता सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन होता है ये किस नौयत का है, किस टाइप का है, इसके अंदर कौन सा जो रिएक्टेंट है कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ जो आपने मेमोराइज़ कर लेनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये हम गैस तो कर सकते हैं बाय वाचिंग इक्वेशन, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से मेजर किया जा सकता है बाय जस्ट डूइंग प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल अगर रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। एवरेज रेट ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर लाहौर की तरफ जाता हूँ, फैसलाबाद से लाहौर जाता हूँ, तो स्टार्ट में मेरी स्पीड 20 थी, बीच में मैंने जाके 40 कर ली, उसके आगे जाके 50, फिर मैंने 20 पे ले आया, और आगे जाके लाहौर के पास जाके मेरी 100 थी, लाहौर जाके फिर 0। तो मैंने कितने उसमें चेंजेस किए स्पीड के अंदर, सही है ना? तो एवरेज क्या होगा, मैंने जितने चेंजेस किए उनका सम करूं और उतने ही नंबर पर डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास ये एवरेज की तकरीबन 25 स्पीड आएगी, कि मैं 25 की स्पीड पर गया हूँ, ये एवरेज है। अब दूसरी तरफ इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है,
इंस्टेंटेनियस रेट यही था कि ऐसे ही मैं कभी 20 कर लेता हूँ स्पीड, कभी 50 कर लेता हूँ, कभी 60, कभी 100, कभी 0 पे, कभी रुक जाता हूँ, कभी कुछ। तो इंस्टेंटेनियस ये है कि अचानक कोई बंदा जो है मुझे देखता है अचानक से, जब मैं 40 पे था तो मेरी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड थी, रेट था उस टाइम पे वो 50 था। अगर कोई अचानक से मुझे देख लेता जब मेरी स्पीड 100 थी, तो उस टाइम मेरा जो इंस्टेंटेनियस रेट था वो कितना था, 100 था। तो एवरेज रेट क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द रेट ऑफ ए रिएक्शन टाइम बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। जैसे लाहौर से फैसलाबाद के बीच हमने स्पेसिफिक टाइम इंटरवल का जो ले लिया, हमने सबको सम करके उसको डिवाइड कर दिया उनके नंबर पे। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए स्पेसिफिक टाइम। किसी भी टाइम पे आप देख लें कि भाई इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एवरेज रेट इज़ द रेट ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट इज़ एट ए स्पेसिफिक गिवन मोमेंट। एट द एंड ऑफ द इंटरवल द एवरेज रेट बिकम्स हायर देन द इंस्टेंटेनियस रेट। एट फर्स्ट द इंस्टेंटेनियस रेट इज़ हायर देन द एवरेज रेट। तो ये आप तीन चार पॉइंट जो है इसमें, इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सेपरेटली भी आ सकता है, वो सेपरेटली भी पूछ सकता है कि एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करें, एग्जाम्पलीफाई करें, एग्जाम्पल दें, कुछ भी वो। उसके बाद डिफाइन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको पता चल गया, वो फर्स्ट ऑर्डर की भी डेफिनेशन पूछ सकता है, सेकंड की भी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी, एग्जाम्पल भी साथ पूछ सकता है। तो आपने बता देना है ए रिएक्शन इज सेट टू बी सेकंड ऑर्डर। अगर आप वो रेट इक्वेशन आपको पता है, रेट इक्वेशन में आप देखें कि आपके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको सम करके अगर आंसर 2 आ रहा है तो आपका जो रिएक्शन होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा। रिएक्शन इज सेट टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू स्पीशीज ऑफ द रिएक्टेंट्स हुज कंसंट्रेशन आल्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके सामने एक रिएक्शन है ए एंड बी। अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लेते हैं तो रेट इक्वेशन देखें, रेट इक्वेशन लिखी है जो k है उसके ऊपर एक्सपोनेंट की पावर जो है वो 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हैं, आप दोनों एग्जांपल्स को फॉलो करें। ये देखिए एक्सपोनेंट 2 है वो 2 है, एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, और अगर एक्सपोनेंट जो है वो 2 है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। अगर एक्सपोनेंट 3 होता यहाँ पे रेट इक्वेशन की, ये रेट इक्वेशन है, अगर इसका एक्सपोनेंट 3 होता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होना था। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्सप्लेन दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि जैसे जैसे टाइम रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ जैसे बढ़ता है आगे, तो उसकी जो स्पीड है वो कम होने लग जाती है। इसकी मिसाल आपको मैंने नॉर्मली देता हूँ कि आपने क्या किया, आपने एक ट्रॉली जो है वो मिट्टी के अपने घर के बाहर फेंकवा ली और आपने वहाँ पे एक मजदूर लगा दिया कि भाई इसको आपने ऊपर वाली छत पर पहुँचाना है और शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। तो शाम तक मजदूर जो है वो देखेगा ये बहुत ज़्यादा मिट्टी है, मैं स्पीड से करूँ, तो स्टार्ट पर बहुत ज़्यादा स्पीड से वो काम करेगा, तो स्पीड से काम करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगेगा यार शाम होने वाली है, मिट्टी भी थोड़ी लगी, चलो थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरह जो है होता है कि जब स्टार्ट पे आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जब ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनके पास कोलिजन का रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज़्यादा रिएक्शन और ज़्यादा कोलिजन होगी, ज़्यादा कोलिजन होगी, ज़्यादा उनका ट्रांसफर रेट होगा वो प्रोडक्ट बनने में। तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में शिफ्ट होते जाएंगे उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी उनका रेट भी स्लो होता जाएगा। तो इसको आपने इस तरह अच्छे वाला कर लेना है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, द रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन। बहुत ही सिंपल से इसका आंसर है, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उसमें आपको पता होता है कि एक ही सब्सटेंस होती है जो मुसलसल कम होती जा रही होती है, उसमें कोई भी सेकंड या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, जो दो चीज़ें नहीं होती रिएक्टेंट में, रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती है, वो एक ही होता है, रिएक्टेंट एक ही होता है। और रिएक्टेंट जब एक है तो, क्योंकि मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने एक चीज़ एक ग्लास ऑफ वाटर रख दिया अपने रूम में, और मैं दो दिन के बाद आया वो हाफ हो गया, तीन दिन के बाद आया वो उससे भी हाफ हो गया, चार दिन के बाद आया उससे भी हाफ हो गया। तो देखें इसमें एक ही रिएक्टेंट ले रहा था ग्लास ऑफ वाटर, जब रिएक्टेंट एक है उसकी कंसंट्रेशन भी एक है तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो ही नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। तो इस वजह से आप कह सकते हैं द रेडियो एक्टिव डिके हैव सिंगल स्पीशी होती है एट ए मोमेंट हुज न्यूक्लियस इज बींग ब्रोकन अप विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। कोई भी दूसरा रिएक्टेंट वहाँ पर नहीं होता, सो ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट एंड इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। एट क्वेश्चन डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का तो आपको पता है कि जब आप रेट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो एक वैल्यू आती है के टाइटल से, उसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज एक्चुअली रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। जो आप रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड विद ए कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद बी कंसंट्रेशन। अगर उनकी जो कंसंट्रेशन 1 है, ए कंसंट्रेशन भी 1 है, बी कंसंट्रेशन भी 1 है, तो के की जो हमारे पास जो के होगा वो रेट कांस्टेंट की बजाय स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, डज लाइट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यस डेफिनेटली करती है, लाइट भी एनर्जी है, तो जब एनर्जी किसी भी आप रिएक्टेंट पे डालेंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी कोलिजन आपस में ज़्यादा हो जाएगी, और जब उनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा।
तो यस वो अफेक्ट करती है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया जस्टिफाई, यस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। अगर आप थोड़े सरफेस एरिया पे देखो ना, आप चाय लेते हो, चाय में आप एक चीनी का बड़े वाला क्यूब डालते हो और उसको घोलते हो, और दूसरी तरफ आप उतनी ही चाय लेते हो और उतना ही आप चीनी लेते हो, लेकिन अब आप उसको क्यूब की शक्ल में नहीं बल्कि उसको पाउडर बना के लेते हो। अब मुझे बताएं कि चीनी जो है वो क्यूब की शक्ल में ज़्यादा जल्दी चाय में घुलेगी या वो जो आपने पाउडर बनाया हुआ? डेफिनेटली पाउडर फॉर्म में वो जल्दी घुलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। रीज़न क्या है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल, ज़्यादा एटम जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप ये चाय वाली एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय एक्टिवेटर कम्प्लेक्स, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट नहीं हो जाता। एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान आप कह सकते हैं कि उनके बीच एक ऐसी चीज़ बन रही होती है जो ना तो रिएक्टेंट होती है ना ही प्रोडक्ट होती है, वो इंटरमीडिएट सी स्टेट होती है, उसको हम एक्टिवेटर कम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ए और बी जो है, ए बी, ए ए एक रिएक्टेंट ये है और एक बी बी है, ये रिएक्टेंट है। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो इनके बीच पहले ए ए के बीच जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक होगी और साथ बी बी के बीच भी एक बॉन्डिंग ब्रेक हो रही होगी। उसी टाइम में ए और बी के बीच बॉन्डिंग बन रही होगी और ए और ए बी के बीच में बॉन्डिंग बन रही होगी। तो ये एक किस्म का ये जो कम्प्लेक्स बनेगा, एक किस्म का इंटरमीडिएट जनरेट होगा, इसको हम एक्टिवेटर कम्प्लेक्स कहेंगे। फिर फॉर वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो कि ए और ए बी एक अलग बन गया और ए बी एक अलग बन गया, तो ये जो बीच में स्टेट बनी है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटर कम्प्लेक्स। इसकी जो हाफ लाइफ है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड गिव इट्स यूनिट। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हो चाहे वो प्रोडक्ट्स की हो। ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है वक्त के साथ साथ और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। इस क्वेश्चन को आप दो तरह से लिख सकते हो, इफ़ यू आर टॉकिंग विद द रेफरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स तो आप साथ माइनस लिखेंगे, देन नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप प्रोडक्ट्स के लिहाज से बात करें तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, उसकी जो है ना वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा हो रही है। तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों तरफ से आप कह सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा आपके सामने है कंसंट्रेशन और नीचे पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम क्या क्या होता है, सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये इसका यूनिट है, ये भी आप यहां से याद कर सकते हैं। उसके बाद आई कंपेयर द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनके यूनिट्स में थोड़ा ही फर्क होता है, आप देखेंगे ज़रा। तो रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट, रेट कॉन्स्टेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखें ये रेट इक्वेशन से आप रेट कॉन्स्टेंट निकालें, और रेट ऑफ रिएक्शन की आप यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये आ गया। तो अब रेट कॉन्स्टेंट का आप यहाँ से निकालेंगे, के इधर रहेगा, ए बी नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ए बी इनके अपने अपने यूनिट्स होंगे, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, रेट का आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आप जब उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कटिंग करके आपके पास रेट कॉन्स्टेंट का ये यूनिट आ जाएगा। तो रेट कॉन्स्टेंट का ये यूनिट है और रेट ऑफ रिएक्शन का ये यूनिट है, तो कंपेरिजन कर लें आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिव एग्जांपल। सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट इज ट्रूली अपीयर टू बी सेकंड ऑर्डर, जो लग तो रहा हो जो हमें एग्जैक्टली पता है कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इन नेचर, बट इट इज अप्रोक्सीमेट एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वो थोड़ा बहुत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी शो कर रहा हो। इन अदर वर्ड्स सच रिएक्शंस अकर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इन बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन इज इन लार्ज एक्सेस। फॉर एग्जांपल आपने एक तरफ वाटर ले लिया और दूसरी तरफ आपने साल्ट ले लिया और वाटर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, तो इस तरह के रिएक्शन में देखने में तो लग रहा होता है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन उसमें एक रिएक्टेंट की जैसा कि जो बहुत ज़्यादा मकदार में ले लिया जैसे कि वाटर है, उसकी कंसंट्रेशन को निगलेक्ट कर देते हैं, तो नॉर्मली उसको इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नीचे एग्जाम्पल दी हुई है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड, ये क्या होता है, इसके आप डेफिनेशन भी लिखेंगे और आप इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, कि वो वाला टाइम जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो 50% वो प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि आपने एक ग्लास वाटर लिया और आप चाहते हैं इस वाटर से डायमंड बन जाए, तो वो टाइम जिसमें आधा वाटर जो है आधा ग्लास डायमंड बन गया, उसको आधे ग्लास पानी को डायमंड बनने में जितना टाइम लगा उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला नीचे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद आगे देखते हैं डिफाइन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये क्या होता है, यहाँ से भी आप टाइटल पे फोकस करें, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिन करने वाला स्टेप। जब आपका एक रिएक्शन है, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हो, एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, तो आप सारे के सारे स्टेप्स को नहीं लेते, आप उस स्टेप्स को फॉलो करते हो, उस स्टेप्स को ज़्यादा फोकस करते हो जो सबसे स्लोएस्ट था। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा हो तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपके ओवरऑल केमिकल रिएक्शन को डिटरमिन करता है। सो दैट्स वाई आप कह सकते हैं वो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। यस, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर आपकी जो नेचर है वो कोवलेंट बॉन्ड है या इस तरह की जो भी है, तो ये भी यस डिपेंड करता है वो। तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सबस्टांस बिकॉज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस आर लार्जली कंट्रोल बाय द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब फिजिकली वो चेंज हैं तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, तो जब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स का ही आपको पता है केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ही आपस में जो है ना वो पार्टिसिपेशन होती है, तो जिस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने से, तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन पर भी फर्क पड़ेगा। डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन दैट हैज द रेट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्शन। आप कोई रिएक्शन करवाते हैं लेकिन उसके अंदर आपने जो रिएक्टेंट्स लिए उनकी कंसंट्रेशन मैटर ही नहीं करती, आप बहुत ज़्यादा ले लें तब भी उतनी प्रोडक्ट बनती है, बहुत कम ले लें तब भी उतनी प्रोडक्ट बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं रिएक्शन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन मैटर ही नहीं करती, तो इस टाइप के रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो जीरो ऑर्डर होता है, फॉर एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट। स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन वेन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। और रेट कॉन्स्टेंट आपको पता है कि क्या होता है, जब आप रेट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो के एलिमेंट आता है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है कंसनट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट और कंसनट्रेशन ऑफ बी कंपोनेंट, उसको हम रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यूनिट्स भी आगे लिख सकते हैं उनके। उसके बाद डिफाइन कैटलिस्ट, डिफाइन प्रोमोटर, ऑटो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी रिएक्शन के अंदर डाली जाए ताकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज किया जा सके, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये केमिकली जो है वो चेंज नहीं होती, बस फिजिकली उसके साथ इंटरेक्ट करती है, इंटीमेट होती है और उसके बाद एट द एंड वैसी की वैसी कलेक्ट कर ली जाती है। प्रोमोटर क्या होता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि एक ऐसी आप उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर देते हो, आपको लगता है कि जो मेरा कैटलिस्ट है इसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं है, इसकी एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप कोई और एक्सटर्नल एजेंट डाल देते हो, वो जो एक्सटर्नल एजेंट आप फर्थर डालते हो वो आपका हो जाता है प्रोमोटर। और ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, समटाइम्स जो आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके बीच में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो जो प्रोडक्ट्स हैं वही कैटलिस्ट के तौर पे काम करने लग जाती हैं, आपको कोई भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट डालने की जो है ना वो नीड नहीं होती, उसको हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। उसके बाद 21st क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज चेंजेस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ये आपको पता है स्टार्ट में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, विद द पैसिव टाइम स्लो होना शुरू हो जाता है, तो ये कभी भी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट नहीं होता, ये मुसलसल चेंज हो रहा होता है, बहुत फास्ट से स्लो 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 होते हुए बिल्कुल रुक जाता है। तो ये जो है ग्राफ, ये डायग्राम जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन हाई थी, तो ये विद द पैसिव टाइम इनकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है, और इस तरह जो प्रोडक्ट्स है उसके जो कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है क्योंकि वो रिएक्टेंट्स जो उसमें शिफ्ट होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, ये मेरा इसके बारे में आज का लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, ये 21 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 11 अच्छा वाला हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।